नमस्कार दोस्तों, आज के लिए हम जानेंगे जो एसी यानी कि एयर कंडीशनर होता है, अगर उसका जो आउटडोर यूनिट है अगर आप उसको अनइंस्टॉल करना चाह रहे हो और फिर से इंस्टॉल करना चाह रहे हो, तो इस वीडियो में आपको उसको कैसे अनइंस्टॉल किया जाता है वो भी मैं आपको एक काफ़ी ईजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाता जाऊँगा, जिससे कि आप बिना इलेक्ट्रिशियन भी अपने घर का खुद का एसी का जो आउटडोर यूनिट होगा उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं और फिर से इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप होगा, आप एसी को ऑन कर दीजिए और 20 या 25 पे टेम्परेचर को सेट कीजिए और इसी तरह 5 मिनट आपको एसी को चालू रखना है। इसके बाद जो आप यहाँ पे इमेजेस में देख सकते हैं, जो वाल्व होते हैं, दो वाल्व आप देख सकते हैं, एक लिक्विड स्टॉप वाल्व और गैस स्टॉप वाल्व होता है, तो वो वाल्व को आपको स्पैनर सेट की हेल्प से खोलना होगा। तो आप ये दूसरी इमेज इसमें देख सकते हैं, उसको खोलने के बाद इस तरह से दिखेंगे और इस टाइम पे आपका एसी ऑन ही रहेगा, ठीक है। खोलने के बाद क्या करना है आपको कि जो एलन की होती है, ये इमेजेस में देख सकते हैं, एलन की हेल्प से आपको उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको लॉक करना है, ठीक है। यानी पूरा घुमाते जाइए उसको लॉक कर दीजिए, दोनों जो लिक्विड स्टॉप वाल्व है और गैस स्टॉप वाल्व दोनों को आपको लॉक कर देना है। इसके बाद जो ढक्कन हमने निकाला था गैस और लिक्विड वाल्व के लिए वो लगा देना है। इसके बाद पावर आपका जो एसी है उसको बंद कर दीजिए, यानी पावर को टर्न ऑफ कर दिए। पावर स्विच ऑफ करने के बाद जो उसका आप देख सकते हैं, जो हमने गैस और लिक्विड वाल्व की बात की, उसका ऊपर जो नट बोल्ट होगा वो आपको पूरा लूज़ करके निकाल लेना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, हम जो गैस वाले उसका हम नट बोल्ट निकाल रहे हैं, तो ये नट बोल्ट को हम इस तरह से निकालेंगे। और एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि जैसे नट बोल्ट से जो हमारा जो पाइप निकला कॉपर का, ये देख सकते हैं इस तरह से, तो उसका जो आप देख सकते हैं अभी हम ये निकल रहे हैं, तो उसका जो मुंह होगा उसको आपको जो हमारी सेलो टेप जो होती है ट्रांसपेरेंस है कोई भी, उससे आपको पूरा ये ढक देना है, ठीक है। उस पर ऊपर उसको वाइंड अप कर देना है, यानी इसको खुला नहीं रखना है, ठीक है। खुला रखोगे तो कुछ भी इसके अंदर धूल मिट्टी या कुछ भी जाएगा तो इशू हो सकता है और ब्लॉकेज आ सकता है। तो इस तरह से हम इस पर सेलो टेप लगा देंगे, पूरा उससे कवर कर देंगे। उसी तरह जो दूसरा जो हमारा गैस का वाल्व का है उसको भी हम ऊपर कवर लगा के इस तरह से पूरा ढक देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मेन ध्यान में रखनी है जब भी अगर आप एसी का अनइंस्टॉल कर रहे हो और इस तरह से आप जो गैस और लिक्विड वाल्व के नट बोल्ट निकाल रहे हो, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि इसका जो मुंह है वो आप उसको ठीक तरह से उसको कवर करना पड़ेगा। उसी तरह ये हमारा दूसरा जो लिक्विड के लिए, वो भी हम यहाँ से उसको निकाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिक्विड का भी निकाल दिया और यहाँ पे उसको भी जो टैप है सेलो टैप से पूरा कवर कर देंगे, और जो उसका दूसरा जो इनपुट हो वो भी इसको सेलो टेप से कवर कर देंगे, जिससे कि हमें धूल मिट्टी से प्रोटेक्शन मिलता रहेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। इसके बाद आपको उसके कनेक्शन निकालने रहेंगे, जहाँ पे फेस न्यूट्रल और अर्थिंग के वायर के कनेक्शन किए होते हैं, तो यहाँ पे आप ये यूनिट देख सकते हैं, उसके ऊपर ही यहाँ पे ये कनेक्शन के लिए 3 वायर लगे होंगे। तो यहाँ पर आप सिंपल स्क्रू ड्राइव का यूज़ करके नट बोल्ट को लूज़ करके फेस न्यूट्रल के 2 वायर जो जो लगेंगे और अर्थिंग का भी वायर लगा होगा, तो आपको इजीली आप उसको निकाल सकते हैं इस तरह से। आपका ये पूरा जो एयर कंडीशन का जो आउटडोर यूनिट है वो अनइंस्टॉल हो जाएगा, पर अभी मेन चीज़ बाकी है, आपको उसके नट बोल्ट भी पहले निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आगे के साइड आप देख सकते हैं 2 नट बोल्ट रहेंगे, जो आपको जो स्पैनर सेट है उसकी हेल्प से आपको निकालने रहेंगे, और पीछे की साइड भी आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो में, तो पीछे की साइड भी 2 आपके नट बोल्ट लगे रहेंगे, तो वो आपको निकालने रहेंगे। तो यहाँ पे पूरे 4 नट बोल्ट निकालने के बाद ही आप ये जो एयर कंडीशन का आउटडोर यूनिट है वो आप इसको टोटली अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये एसी का जो आउटडोर इसको अनइंस्टॉल कर दिया है, और यहाँ पे जो आप दूसरा ये इसकी फ्रेम देख रहे हो उसका भी, अगर ये अच्छी कंडीशन है, अगर ये देख सकते जंग लगा रहा है फिर भी ये अच्छी कंडीशन, तो इसका फिर से रीयूज़ भी कर सकते हैं। जहाँ भी आप लगाना चाह रहे हो आप एसी को अपनी जगह पे, तो इसी फ्रेम का आप यूज़ करके उसको और नई जगह पर भी लगा सकते हैं। और दोस्तों, जो अगर आप गुजरात के वलसाड डिस्ट्रिक्ट से हो, तो अगर आपको एसी का इंस्टॉलेशन या फिर अनइंस्टॉल करना हो या उसका रिपेयरिंग, उसी तरह फ्रीज वॉशिंग मशीन हो या गीज़र को उसका रिपेयरिंग कराना चाहते हो, तो यहाँ पे जो टेक्नीशियन है राहुल और दिव्यस, उनका मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, तो आप वहाँ से उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और वो जो सर्विस देंगे वो सिर्फ वलसाड डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही देने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी अगर आप एसी रिपेयरिंग कराना चाहते हो। तो आई होप दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की वो भी आपको अच्छी लगी है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इसमें अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।